आप राम बनते नहीं और आप सीता की अपेक्षा करते हो तो सौर्य नहीं मिल पाएगी। अपने आप को घर में भी स्टार समझते होंगे या घर में भी उनको लगता है कि मुझे दुनिया इतनी प्यार करती है तो मेरे घर वाले क्यों नहीं। तो ये जो रिश्ते होते हैं ना आपके फैमिली के, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत कुछ बर्दाश्त करनी पड़ती है और बर्दाश्त जब तक आप नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं करेंगे। इस समय अगर एक तरफ पवन सिंह खेसारी के गाने टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में चल रहे हैं तो दूसरी तरफ हॉट टॉपिक्स में चल रहा है ज्योति सिंह और पवन सिंह के तलाक का मुद्दा भी। जी हाँ, इस समय इस मामले में आए दिन नए नए होते खुलासे सभी को चौंका रहे हैं। भोजपुरी से भी काफी स्टार्स, काफी लोग इस बारे में राय दे चुके हैं, मगर अब तक जो चुप्पी लगाए बैठे थे वो थे पावर स्टार को अपना बड़ा भाई मानने वाले हिट एक्टर खेसारी लाल यादव, जिन्होंने भी दबी जुबान में ही सही इस मामले पर मानो अपनी राय दे ही दी है। दरअसल खेसारी ने एक नामी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें तमाम सवालों के बीच उनसे शादी से जुड़ा सवाल भी किया गया। सवाल था ये, खेसारी जी आप हर मंच से कहते हैं कि आप अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन वही आपके ऐसे दोस्त भी हैं कुछ जिनकी शादियां ठीक नहीं पा रही, नौबत तो डाइवोर्स तक आ गई है, तो उनके लिए कुछ टिप्स देंगे आप? सवाल तो सुन ही लिया आपने, अब जानते हैं कि आखिर खेसारी ने इसके जवाब में क्या कहा। आपको एक बात बताऊं जिंदगी की, ऐसा नहीं है कि किसी भी घर में झगड़े नहीं होते, और मुझे लगता है कि परिवार बसाने के लिए आपको बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, और हम जिस ओहदे पर हैं और जब नहीं थे तब हमें ये बात सोचनी चाहिए थी कि जब हम इस ओहदे पर नहीं थे तो क्या हम हर आदमी की बात को सुनते नहीं थे? बिल्कुल सुनते थे, हर आदमी की बात को अहमियत भी देते थे, और अगर हम अपने स्टारडम और पोजीशन को घर में लाएंगे तो ऐसे रिश्ते नहीं टिकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने पापा से कहूं कि पापा आप मुझे खेसारी जी कहिए तो माफी चाहूंगा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने मुझे बिना कपड़ों के देखा है, उन्होंने मुझे छोटे नन्हे बच्चे से खेसारी लाल यादव स्टार बनने तक का सफर देखा है, मेरी माँ ने, मेरे भाइयों ने, सभी ने, और मेरा सोचना है कि ये जो रिश्ते हैं ना आपके, वो आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और बर्दाश्त तब तक आप नहीं करोगे वो भी आपको नहीं करेंगे। आपके पास पूरी दुनिया हो सकती है लेकिन उनकी दुनिया में आप हो, उन्हें वो भी आपको नहीं करेंगे। आपके पास पूरी दुनिया हो सकती है लेकिन उनकी दुनिया आप हो, तो जिंदगी में जिनके लिए आप पूरी दुनिया हो अगर उन्हीं की बात नहीं सुनोगे आप तो उनकी थोड़ी बहुत बर्दाश्त नहीं करोगे और चाहोगे कि वहाँ आपको स्टार ट्रीटमेंट मिले। सच कहूँ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि मेरी पत्नी मेरे लिए सीता है इसलिए मैं राम हूँ, नहीं, वो सीता है इसलिए मैं उसका राम हूँ शायद। इसलिए जिंदगी में अगर आपको सीता जैसी अर्धांगनी चाहिए तो आपको उसके लिए राम बनना होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको सीता भी चाहिए और आप उसके लिए राम भी ना बनो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं मिल पाएगा। तो हर आदमी दोषी नहीं होता, कुछ गलतियाँ हमारी भी होती है जिससे हमारा परिवार टूटता है। हम स्टार हैं, हमारे पास बाहर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक पत्नी के पास उनके सिर्फ पति होते हैं, तो मुझे इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। बस शायद कुछ लोगों को लगता है कि मुझे तो घर में भी स्टार समझे, इतना प्यार करे क्योंकि मुझे बाहर के लोग बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाता। खेसारी की बातें सुनकर यकीनन आपको भी यही समझ आ रहा होगा कि उन्होंने ये सलाह यह बातें कहीं ना कहीं आजकल रिश्ते टूट रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, उसे लेकर कही है। और रिश्ते जिनके टूट रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम है पवन सिंह और ज्योति सिंह का। खैर, खेसारी की सलाह क्या पवन सिंह अपनाकर अपना घर बचाने की कोशिश करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल खेसारी की राय से आप लोग कितने सहमत हैं बताना मत भूलिएगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। या घर में भी उनको लगता है कि मुझे दुनिया इतनी प्यार करती है तो मेरे घर वाले क्यों नहीं। तो ये जो रिश्ते होते हैं ना आपके फैमिली के, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत कुछ बर्दाश्त करनी पड़ती है। पूर्वांचल लाइफ की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइफ के साथ।